रिश्तों में बंधे होते हैं, मामा मामी, चाचा चाची, बुआ फूफा। लेकिन इन तमाम रिश्तों से ऊपर एक ऐसा रिश्ता है जिसमें लोगों की इतनी आस्था है कि इसे पूरा देश मिलकर एक राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाता है। कच्चे धागे या रेशमी डोर में बंधे प्रेम और भरोसे का त्योहार है रक्षाबंधन, जिसे पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज के दिन बहनें अपने भाई के हाथ में ये डोर इस विश्वास से बांधती हैं कि भाई दुख की घड़ी में उनकी रक्षा करेगा। ये वो दिन है जब भाई की कलाई पर सजता है बहन का प्यार। भाई बना देगा अपनी बहन के लिए ये दिन यादगार। जी हाँ, आज पूरा देश रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मना रहा है। भाई बहन के अटूट स्नेह का प्रतीक है राखी का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन, जो बंधन है प्रेम रूपी धागे का, जो भारत में मनाए जाने वाले त्योहारों में सबसे अनूठा, सबसे अनुपम है। इस धागे में छिपा होता है एक बहन का अपने भाई के प्रति प्यार और आशीर्वाद, लंबी आयु और खुशहाली की कामना। ये पावन त्योहार श्रवण मास में हर साल मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई को रेशम की डोरी से सजाती हैं। महज रेशम की डोर भर नहीं होती, इसमें बड़ी ताकत होती है। पहले तो इस धागे की बदौलत शूरवीर मैदाने जंग में जीत हासिल कर लौटते थे, क्योंकि इस धागे में छिपी होती थी बहन की भाई के लिए लाखों दुआएं। फिर भाई क्यों ना मैदाने जंग से सुरक्षित लौटे। तो चलिए अब आपको बताते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ कथाएं। राखी बांधने की कथाएं सदियों से चली आ रही हैं। कहा जाता है कि चित्तौड़ की रानी कर्मावती ने दिल्ली के मुगल शासक हुमायूं को राखी भेजकर अपना भाई बनाया, और इसी राखी की इज्जत की वजह से हुमायूं ने गुजरात के राजा से युद्ध कर कर्मावती की रक्षा की थी। इसके अलावा हमारी धार्मिक पुस्तकों में रक्षाबंधन मनाने की कुछ मान्यताओं का जिक्र है। महाभारत में इस त्योहार की मान्यता का वर्णन है। द्रौपदी ने एक बार त्रेता युग में भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग जाने पर अपनी साड़ी से टुकड़ा फाड़कर चीर बांधी थी। उसी चीर बांधने की वजह से कृष्ण ने चीर हरण के समय द्रौपदी की रक्षा की, इसलिए रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। त्योहार को पूरा देश धूमधाम से मना रहा है। जहां मिठाई की दुकानों पर भीड़ है, तो राखी के डिजाइन भी बहनों को खूब भा रहे हैं। ऐसे में हम भी यही कामना करते हैं कि भाई और बहन के प्रेम और भरोसे का ये त्योहार ऐसे ही मनाया जाए और भाई का बहन को दिए वचन का पूरा पालन होता रहे। आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं।